मुझे पिछले 3 महीने से पीरियड्स इरेगुलर होने की प्रॉब्लम आ रही थी। इट्स लाइक मेरा जो सर्कल था पीरियड्स का, मेंस्ट्रुएशन का जो सर्कल होता है, वो धीरे धीरे उसका कम हो रहे थे उसके सर्कल में। जैसे कि पहले 15 डेज, फिर 12 डेज, फिर 10 डेज में मेरे को पीरियड्स आते थे, और जो पीरियड्स थे उनका फ्लो नहीं आ रहा था, और मेरा पेट जो है, मेरा स्टमक, ये ब्लॉट हुए जा रहा था। स्टमक बढ़ रहा था और पीरियड्स नहीं आ रहे थे। तो मैंने डॉक्टर को विज़िट किया, उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट बताए, और जब मैंने टेस्ट कराए तो टेस्ट में मुझे निकला है सिस्ट। सिस्ट जो है वो निकली है मेरी 6.5 साढ़े 6 सेंटीमीटर की सिस्ट मेरी लेफ्ट ओवरी में डिटेक्ट हुई थी। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है सर्जरी के लिए। तो मैं यहाँ पे एक दिन पहले एडमिट हुई थी। तो सुबह मेरा कोविड का टेस्ट हुआ। कोविड का टेस्ट होने के बाद मुझे प्रिपेयर किया गया, क्योंकि मेरे नेक्स्ट डे सर्जरी होनी थी। तो उसमें मेरे को मुझे भूखा रहना था, आई वॉज़ इन हंगर मोड। और नेक्स्ट डे जब मेरा सर्जरी हुआ तो मुझे लेके जाया गया ऑपरेशन थिएटर में, जहाँ पे मुझे एनेस्थीसिया दिया था। एनेस्थीसिया के बाद मेरी जो सर्जरी हुई थी उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया है। जब मुझे शिफ्ट कर रहे थे इधर से उधर, स्ट्रेचर से जब बेड पे उन्होंने डाला, तो मुझे थोड़ा सा पेन फील हुआ था। और मेरे जो स्टिचेस थे वो ये यहाँ, ये मुझे ऐसे, ये वाले लेप्रोस्कोपी के मेरे को मार्क आए हैं, 1, 2, 3 एंड हेयर ऑल्सो। इट्स लाइक ये जो सर्जरी के हैं, ये मुझे यहाँ से लेप्रोस्कोपी किया गया है, जस्ट बिकॉज ये सिस्ट था। तो बड़ा हो के आगे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इसीलिए मैंने मुझे सर्जरी के लिए जाना सही समझा। और स्पेशली जब मुझे सर्जरी के लिए बोला गया था, मैंने हर एक किसी को कॉल किए, गूगल पे भी सर्च कर रही थी मैं, यूट्यूब पे भी, कि आखिर ये लेप्रोस्कोपी क्या होती है और लेप्रोस्कोपी में कोई पेन तो नहीं होता है, इसके होने के बाद आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे एंड ऑल। मैंने इवन आई वॉज़ कन्फ्यूज्ड अबाउट कि ये लेप्रोस्कोपी होती क्या है। बट जब मेरी लेप्रोस्कोपी हुई है तो मैं, बहुत सारे लोग होते होंगे लेडीज़ जिनको ये कन्फ्यूज़न रहता है कि लेप्रोस्कोपी क्या होती है, इसमें क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं होगी, पेन तो नहीं होगा या कुछ भी। और ये वीडियो बनाने का मेरा जो एम है वो यही है कि आई एम द लाइव एग्जाम्पल ऑफ लेप्रोस्कोपी, कि क्या इसके इफ़ेक्ट्स हैं बाद में। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो मैं बोलूँगी कि घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेप्रोस्कोपी जब आपकी होगी तो आपको पता भी नहीं लगेगा। एनेस्थीसिया दिया जाता है, एनेस्थीसिया में यू आर लाइक सेंसलेस। हम लोग तो सिर्फ, मेरे को जब ओटी में ले जाया गया था उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं था। और लेप्रोस्कोपी होने के बाद मुझे 2 घंटे पेन रहा है, जो कि आई कैन से कि यस, इट वॉज एक्यूट पेन। मुझे 2 घंटे के लिए काफ़ी ज़्यादा पेन रहा, लेकिन उसके बाद मुझे जो है पेन किलर दिया गया इंजेक्शन के थ्रू। उससे मेरा दर्द धीरे धीरे कम होता गया। कल के दिन की मैं आपको ये बात बता रही हूँ। अब उसके बाद मुझे सॉफ्ट डाइट पे रखा गया। मैंने कल कुछ खाया नहीं था, डॉक्टर खाने के लिए मना कर देते हैं। बट नेक्स्ट डे, अभी आज मैंने सुबह जो है पहले ल्यूकवॉर्म पानी से स्टार्ट किया, फिर मैंने चाय वाय पिया, और अभी इवन मैंने वॉक भी किया है इस रूम में। मैंने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वॉक किया है और अभी आई एम फीलिंग मच कंफर्टेबल। और डॉक्टर ने मुझे बोला है, पहले इवन मुझे भी डाउट भी हो रहे हैं कि कहीं ये लेप्रोस्कोपी के मार्क्स ना रह जाएं पेट पे, क्योंकि ये 3 जगह पे हुए हैं। तो बट डॉक्टर ने कहा है कि ये जो स्कार होते हैं कि इसके ऊपर अगर आप कुछ ट्यूब्स लगा लेते हो तो ये ठीक भी हो जाते हैं और इनके मार्क्स भी चले जाते हैं। तो बस ये मेरा डाउट था कि मुझे ये, मैं स्कार नहीं चाहती थी अपनी बॉडी पे। तो अब लेट्स सी, डॉक्टर ने यही बोला है कि इनके ये जो बहुत ही माइनर से, इतने से ये लोग कट बता रहे हैं ज़रा से, और ये आई बिलीव अभी मुझे कुछ टैबलेट्स भी खानी है। और लेप्रोस्कोपी के बाद
डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है सॉफ्ट डाइट के लिए, लाइक बॉयल्ड फूड। अगर खाने को तो आप कुछ भी खा सकते हो, बट अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, सॉफ्ट डाइट लेते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहती है। मैं आपको बता देती हूँ इसमें डाइट कैसी लेते हैं। इसमें स्किम्ड मिल्क के लिए बोला गया है सैलड, स्प्राउट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल वीट प्रोडक्ट, आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, बट जूसेस आपको ज़रूरी हैं क्योंकि लिक्विड फॉर्म ज़्यादा सही रहता है। लिक्विड फॉर्म अगर आप लेंगे और जूस में, तो वेजिटेबल सूप डॉक्टर ने मुझे स्पेशली बोला है कि आप सूप पियो, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। जस्ट बिकॉज इससे क्या होता है कि स्टूल पास ईजी हो जाता है और आपके जो स्टिचेज हैं उन पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, प्रेशर नहीं पड़ता है। तो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। आज मेरा सेकेंड डे है लेप्रोस्कोपी का, और सेकेंड तो मेरा आज दूसरा दिन है। सर्जरी मेरी कल हुई थी, आज मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, और आज शाम को मैं डिस्चार्ज होने वाली हूँ। मैं कंफर्टेबली चल पा रही हूँ, मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने डॉक्टर को अपने डिस्चार्ज के लिए भी बोल दिया है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक एम है कि जिन लोगों को भी डाउट है लेप्रोस्कोपी को लेके, वो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये वीडियो उनको ज़रूर कुछ ना कुछ उनके डाउट्स क्लियर करने में काम आएगा, और बस मुझे यही बोलना था।